दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फास्ट में। जैसा कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय ऑफलाइन होगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं। ये होगा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। तो इसमें जो भी न्यूज़ निकल के आई है हम आपको पूरी न्यूज़ को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए आप ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, जैसे कोई भी आपको नोटिफिकेशन आती है तो तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय ऑफलाइन होगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं। ये होगा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। और न्यूज़ क्या है दिखा देते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक और पारा स्नातक के विद्यार्थियों की अंतिम वर्ष की परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्न पत्र के साथ ऑफलाइन होगी। इसके लिए गुरुवार को विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की ओर से रूपरेखा जारी कर दी है। लंबे समय से छात्र और छात्राएं परेशान थे कि परीक्षा कैसे होगी और उसका प्रारूप क्या होगा। परीक्षा समिति की ओर से रूपरेखा जारी होने से छात्रों को काफ़ी राहत मिली है। जारी कार्यक्रम के अनुसार बीकॉम, बीए, बीएससी और स्नातक ललित कला संकाय की वार्षिक परीक्षा होगी, जबकि शेष अन्य विषयों की सेमेस्टर परीक्षा होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रोन्नत का आधार प्रथम सेमेस्टर। तो ये देख लेते हैं क्या न्यूज है। तो परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर ए.एन. सक्सेना ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2020 के छात्र छात्राओं को आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर द्वितीय सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। समस्त विभागाध्यक्षों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल पर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि विश्वविद्यालय व कॉलेज द्वारा पूर्व में प्रथम सेमेस्टर के अंक पोर्टल पर अपलोड हैं तो उन्हें भेजने की आवश्यकता नहीं है। संक्रमण के चलते यदि किसी छात्र ने प्रथम सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा नहीं दी है तो उसकी परीक्षा पुनः कराकर अंक अपलोड कर दिए जाए। स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रमों के द्वितीय सेमेस्टर जून के छात्र छात्राओं के द्वितीय सेमेस्टर जून को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। और जो न्यूज़ है वो भी आपको दिखा देते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि 12 अगस्त से पहले हो जाएंगी परीक्षा। ये इंपॉर्टेंट खबर है आप सभी के लिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने परीक्षा प्रारूप जारी कर दिया है। शुक्रवार को समय सारिणी जारी की जाएगी। संभव है कि जुलाई दूसरे सप्ताह से परीक्षा शुरू कराकर 12 अगस्त से पूर्व परीक्षाएँ करा ली जाएंगी। जानकारों का कहना है कि परीक्षा के दौरान कोविड नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। छात्र छात्राओं को किसी तरह का संक्रमण न हो इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। छात्र छात्राओं की सुरक्षा विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। स्नातक फोर्थ सेमेस्टर, इसके बारे में देख लेते हैं कि स्नातक परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को उनके तीसरे सेमेस्टर के प्राप्त अंकों के आधार पर अंक निकालकर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा फल तैयार होगा, फिर उन्हें पाँचवें सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। ऐसे में चतुर्थ सेमेस्टर की आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षा ऑनलाइन व ऑफलाइन करवाकर विभागाध्यक्ष व महाविद्यालय के प्राचार्यों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों का प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर जिनकी दिसंबर 2020 व जून 2021 की परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, उनकी बात करें तो उनका परीक्षा फल उनके आंतरिक अंक के आधार पर तैयार होगा। इसके बाद द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर में चतुर्थ से पाँचवें, छठे से सातवें और आठवें से नवें सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट खबर है। वही एनसीटीआई के नियमों के तहत बीएड, एमएड प्रथम सेमेस्टर व अंतिम चतुर्थ सेमेस्टर और बीएलएड प्रथम व अंतिम वर्ष, बीपीएड व बीपीएड प्रथम व अंतिम चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं एमसीक्यू प्रणाली से कराई जाएंगी। तो इनकी परीक्षाएं एमसीक्यू मतलब जो ऑप्शनल होते हैं उसके तरीके से कराई जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है। तीसरे सेमेस्टर के अंकों के आधार पर होगा मूल्यांकन। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा के प्रश्न और समय अंक तय हो गए हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ग्रुप परीक्षा प्रश्न संख्या और समय। तो बीकॉम वार्षिक 100 प्रश्न होंगे 2 घंटा, बीकॉम सेमेस्टर 80 प्रश्न 2 घंटा, बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 35 1 घंटा। तो ये देख सकते हैं जो भी हैं छात्र वो अपना अपना देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर सभी का है, बी ऑनर्स, एम ए, बीएससी सेमेस्टर सब कुछ दिया है, कितने प्रश्न होंगे, कितना टाइम है। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक तय हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एक प्रश्न का 2 अंक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने अपने कोर्स का
मतलब समय क्या होगा, क्वेश्चंस कितने आएंगे, विषय और सेमेस्टर वाइज सबको दिया है। तो अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।